माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया भी है कि अगर एक घर है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून है तो घर कैसे चलेगा। हर किसी को अपना रिलीजन के अनुसार रहने का राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिव का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं शाबानों को मे भी उस समय विदाउट सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक अच्छा फैसला मिलता और उन्हें एलिमनी वगैरह भी मिल जाती। मुस्लिम समाज अपने आप तो ये बोलते हैं कि हमें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी माननीय न्यायालय ने भी बता दिया है कि आप यूसीसी लाइए। अगर ये लागू भी होता है, अगर किसी को शिकायत है देखा जाएगा उसको। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाक 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 करके उनको कुत्ते की तरह भगा दिया जाता है, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल होगा उस चीज से। इसलिए मैंने कहा कि जो इंक्लूजन है ठीक है वो सोसाइटी लेवल पे होना चाहिए। अगर सोसाइटी लेवल पे इंक्लूजन नहीं होगा तो आप कितने भी लॉज ले आ जाइए ठीक है, अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो वो नल एंड वॉइड रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड या कहें नागरिक संहिता कानून, एक ऐसा कानून जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग विशेष और धार्मिक पंथों, इन सभी को एक कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। इस बीच बहुत ज्यादा बहस छिड़ चुकी है और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहला राज्य बन चुका है जहां मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा करी है कि यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। इस बीच तीन पैम्फलेट निकली है अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में और यहाँ पे हम पब्लिक ओपिनियन लेने वाले हैं लोगों का। तो आइए जानते हैं इस बीच पब्लिक का इस पे क्या मत है। नागरिक संहिता कानून जिसके बारे में अभी घोषणा हुई है कि इसे लाया जाएगा, तो आपका इस पे क्या मत है? ये बनेगा तो देखो सारे उत्तराखंड के लिए बनेगा, हर एक इंसान के लिए बनेगा। ये चाय या समोसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ नहीं खाना वहां जाके खा लूंगा, है कि नहीं है। जब बन रहा है तो देखो जितने भी यहाँ के निवासी हैं सबके लिए बन रहा है, तो सबको समझाना भी पड़ेगा कि हाँ ये इस तरह का कानून है और इस तरह से हमें हमारी जिंदगी में इफेक्ट करेगा, तभी इसके बारे में कुछ कहा जाएगा कि हाँ। तो एक प्रोटोटाइप तो आ चुका है, अध्यादेश बाकी है और सबसे बड़ी बात एक घोषणा हुई है कि इसको साल के अंत तक इसको कैसे भी करके उत्तराखंड में लाया जाएगा। तो अगर ये आता है तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव मिलेंगे आपको? देखो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि उन्हें कानून अध्यादेश लाने के बाद हमें ये बताना भी पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा, उससे पहले की जिंदगी कैसी थी, उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे पहले तो देखो अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है नहीं क्योंकि बना है नहीं है। जब बिल लाया जाएगा तब हमारे को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद संशोधन आएंगे, इसमें हमारे लिए ही बन रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इस वक्त हमारे साथ नूर भाई हैं, तो नूर भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भविष्य में आता है और उत्तराखंड में इस बात की घोषणा हो चुकी है कि इसको साल के अंत तक लाया जाएगा, तो आप कैसा सोचते हैं इस बारे में कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड सही रहेगा या गलत रहेगा? सही रहेगा। देखो अगर इक्वालिटी के हिसाब से अगर सभी को एक ही प्रोटोकॉल बनाया जाए तो वो सभी के लिए सही रहेगा, जिसमें कि कोई भी समुदाय अपना पर्सनल कोई भी रूल वगैरह बना करके अपनी मनमानी नहीं करेगा और सभी एक सिस्टम में रह करके काम करेंगे। लेकिन जो लोग इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं उन सभी लोगों को सबके लिए एक जैसा कानून हो, क्योंकि बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिन पे सारे कानून सभी पे लागू नहीं होते हैं। तो सब पे एक कानून आ रहा है, अच्छी बात है कि सब लोग एक बराबर, एक देश एक नागरिक एक कानून होना जरूरी है। तो देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है, तो इट्स इन आर्टिकल 44 ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हमारे जो फोर फादर्स थे ठीक है, उनका एक व्यू रहा होगा उस समय कि देश में जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं ठीक है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक कॉमन जो लॉ होना चाहिए ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, तो एक कॉमन लॉ होना चाहिए, तो उस पर ही ये होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू देश हित में सही है और इसको लागू करने से जो क्या कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और सब नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। और जनरली ये कानून मैट्रिमोनियल केसेस जैसे असमानताएं और सभी उसमें जो कोई कस्टम है, रिलीजन है, कुछ है, तो उसको एक समान करेगा और सभी नागरिक एक ही कानून से हम बंधे रहेंगे
और कॉन्स्टिट्यूशनली इसका वायलेशन नहीं होता, उसके लिए यह है कि गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगे। और बाकी मतलब इसमें कोई इस तरह से नहीं है कि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर ये लागू होता है तो इसमें किसी भी तरह का कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे कोई देश को या कोई समाज को नुकसान होगा। अगर जो भी इसका विरोध कर रहा है पहले उनके कारणों को ढूंढ लें, अगर कहीं पे किसी को लगता है कि हाँ यार इससे हमारा हित प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की हुई जिसमें एक वेबसाइट बनाई गई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, तो उसमें आपने कंप्लेंट दर्ज कर लें और वो जो शिकायत है जो कंप्लेंट है वो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद जैसा भी होगा मतलब जो ये सिविल कोड है वो एक तरीके से मतलब उसमें कोई नुकसान देश के लिए या किसी राज्य के लिए नहीं है। मतलब इसमें कोई विवाद वाली बात कोई है नहीं, ये संविधान के अंतर्गत रहते हुए इस कोड को बनाया जा रहा है कि संविधान को हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं या संविधान को वायलेट नहीं कर रहे हैं हम, तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान जो है जो भी सामाजिक दायरा होना चाहिए, तो उसी के अंतर्गत जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको तैयार कराया जाना चाहिए और इसको लागू भी होना चाहिए हमारे देश के लिए। राजनीतिक दलों का, विपक्ष का, अधिकांश लोगों का ये मत है कि इससे जो भारत की विविधता है वो खतरे में आती है। देखिए सर, एक चीज होती है, भारत में कहीं प्रकार के धर्म है, कहीं प्रकार की संस्कृति है, कहीं प्रकार की भाषाएं है, किसी के राइट्स तो नहीं छीने जा रहे ना। अब देश की भलाई के लिए, मानवता के लिए अगर एक संविधान एक कानून लाया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैं पहले आप ही से पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? अगर एक देश और एक कानून हो तो इसमें गलत क्या है? किसका गलत हो रहा है इसमें? मुस्लिम समाज अपने आप तो ये बोलते हैं कि हमें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी माननीय न्यायालय ने भी बता दिया है कि आप यूसीसी लाइए और बीजेपी उसके समर्थन में है। बस वही है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मतलब देश के साथ मैं बोलूंगा कि गद्दारी कर रहे हैं, बिल्कुल गद्दारी कर रहे हैं। तो उनको ये कि मतलब अपने हित ना सोच के मतलब देश हित के बारे में सोचना चाहिए। और आज का जो युवा है वो शिक्षित है, युवा जानता है, युवा सब कुछ जानता है कि मतलब क्या देश की भलाई में और क्या नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी राजनीतिक दल है वो बीजेपी का साथ है। देखिए मैं कहूंगा डाइवर्सिटी जो है वो एक बहुत वाइड टॉपिक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि विद फ्यू लॉज हमारी डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं एल से कि कहीं पर डायल्यूट हो जाएगी। बट क्योंकि डाइवर्सिटी आपकी कल्चर से भी आती है, रिलीजन से भी आती है, हमारे जो क्या बोलते हैं हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनसे भी आती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कहीं ना कहीं हमारी डाइवर्सिटी खतरे में आएगी। अगर ट्राइब्स है तो ट्राइब्स अगर मान लीजिए झारखंड में है, संताल में है, बिहार में है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में है या राजस्थान में मीना ट्राइब, अगर उनके यहाँ जो चलती होगी प्रैक्टिस, जो रिचुअल्स होंगे, जो उनके सामाजिक जो उनके जो आदेश चलते होंगे, आप उसके अंतर्गत ही तो चलेंगे वो। लेकिन जहाँ पर आईपीसी लगेगी, जहाँ कानून लेगा, मर्डर करते हैं वो कहते हैं साहब यहाँ तो हम 4% देते हैं और इसको हम निपटा लेंगे, इसको आपस में नहीं होगा ना। वो कुछ ही बिंदु है जिन पे आप कर पाएंगे ना, ये नहीं है ना कि आप आईपीसी और सीआरपीसी आप अपने आप ही अपने तरीके से चलाएंगे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो चलेगा वो तो लॉस ही चलेगा ना। लेकिन कुछ जो बिंदु है, कुछ सामाजिक जो आपने जो दायित्व दे रखे हैं वहाँ के लोगों के लिए, तो उसी के दायरे में काम करेंगे ना। आप मर्डर करके फिर कहते हैं हम तो जो आपस में निपटा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सर जैसे अब मेरी उतनी जानकारी हो ही नहीं सकती, एक्सेप्शन में नहीं आएंगे ना हम एक्सेप्शन में नहीं आते ना। आपने लव जिहाद के बारे में सुना है, तो आपको लगता है कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़कों के प्रेम का लव जिहाद के नाम पर राजनीतिकरण करना गलत है? इस संदर्भ में आपके विचार क्या? इसमें राजनीतिकरण करना का कोई रीजन नहीं है, ये ट्रैप में फंसाते हैं हिंदू लड़कियों को। इन्हें पता है कि भाई कैसे लूज पॉइंट है, कहाँ क्या होता है, हमारी लड़कियों को फंसाते हैं, सब चीज करते हैं। पूरा इनका एक सिंडिकेट है, जैसे PFI का आपने देखा था कुछ टाइम पहले कि भाई एक पूरा 2045 तक 40 तक पूरा वो करना है, क्या बोलते हैं उसे यार, पूरा गजवाए हिंद करना है, फिर उसके बाद ये पूरा हो जाएगा सिस्टम, फिर उसके बाद चल जाएगा सारा। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत जरूरी है और लव जिहाद के खिलाफ तो एक अलग से कानून आना चाहिए, जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत है उसके लिए होना चाहिए, अच्छी चीज है। देखो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे केस आ रहे हैं, अभी साक्षी का केस आया है दिल्ली में, कितने ही केस आ गए, मतलब
अभी पुरोला में भी आया था और हिमाचल में भी आए, तो लव जिहाद कहीं ना कहीं है। मतलब जो मुस्लिम लड़के हैं वो कहीं ना कहीं अपने मतलब आइडेंटिटी छिपा के, मतलब हिंदुओं की जो हमारी बहने हैं उनको मतलब कहीं बहला पूछा के अपने प्यार में मतलब झांसा देके, प्यार का झांसा देके मतलब उनको कहीं ना कहीं मतलब अपने जाल में फंसाते हैं। पर नूर भाई एक बात और आ रही है कि एक तो बात ही सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रख दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हर समुदाय का एक पर्सनल बोर्ड होता है, सबका नहीं होता पर किसी का होता है, मान लीजिए क्रिश्चियंस का हुआ या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ठीक है, तो उनको इस चीज से आपत्ति है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक कानून का हनन होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इतने सारे समुदाय हैं पर इसको बदलना भी एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस देश के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं जो कि सभी अपने रिलीजन को एक बढ़ावा देते हैं, और ये या तो ऐसे किया जाए कि आप भाई जिसका जो रिलीजन को फॉलो कर रहा है उसी को फॉलो करने दिया जाए, या सबके जो रिलीजन का मामला है उसमें सबको इक्वालिटी दी जाए, या सबको ऐसा नहीं है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे आप किसी और नज़र से देख रहे हो, कि हिंदू बैठा है तो आप उसको किसी और नज़रिए से देख रहे हो, तो सबको एक इक्वालिटी के हिसाब से ही नज़रिया बनाया जाए सबके प्रति, ठीक होगा। तो सारे के सारे जो कानून है वो हिंदुओं पे बनाए गए हैं, उस टाइम जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने हिंदुओं पे सारे कानून बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आज ये देखा जा रहा है कि जैसे मुस्लिम समाज में जो माए बहने हैं उनके साथ जो मतलब अन्याय हो रहा है, ट्रिपल तलाक के कितने केस सामने आ रहे हैं, और आज अगर आप देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम बहुल देश है, चाहे वो कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, तो हर जगह जो ट्रिपल तलाक के जो कानून है वो खत्म है। एक भारत ही में, तो भारत में कुछ मतलब धर्मगुरु ऐसे हैं जो मतलब कट्टरपंथी में जिसको बोलूंगा कि वो कुछ ऐसे हैं जो मतलब अपने आप मतलब मुस्लिमों के ऊपर जो अपने अधिकार थोपते हैं, जबकि किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा जो होता है एक देश एक कानून, उसके लिए यही होना चाहिए। अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर अगर कार्य कर रहे हैं और उसको हम वायलेट नहीं कर रहे हैं तो उसका उनका धर्म का जो है क्यों हम उनका वायलेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा उनका धर्म का वायलेशन, क्योंकि जो है हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम, कॉन्स्टिट्यूशन हम कह रहे हैं कि सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन भारत हम नहीं जा रहे ना, तो उनको उस पर इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए। आपने अपने कुछ अपने अपने कुछ कानून बना रखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल रखे हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो जिम्मेदार नहीं है ना, आपको उसी अम्ब्रेला के अंडर आके वो करना, आपको उसी अम्ब्रेला के अंदर आपको ना, हर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वो पावर दे रखी थी तब आपके लिए, हाँ अगर उस पावर को हम कर्टेल कर रहे या उसको हम आपके उस जो कानून को हम आपसे छीन रहे, तो आप कह सकते हैं कि साहब हमको जो है धर्म विशेष के लिए हमारे लिए जो है ये एक अलग से वायलेशन हो रहा है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन आप एक अलग से कानून बना के बैठ जाएं अपने आप ही और कॉन्स्टिट्यूशन अलग चलने की कोशिश करें तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा ना। बहुविवाह के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुविवाह से मेरा कहने का मतलब है कि मल्टीपल मैरिजेस, ठीक है, क्या आपको लगता है कि बहुविवाह के कारण महिला और उसके बच्चों का शोषण होता है? तभी तो फैमिली बनता है, शादी क्यों करता है? इसलिए तो करता है कि जन्म जन्म से रहे, लेकिन अगर किसी कारण से सभी लोग एक जैसे नहीं होते, किसी में कोई औरत में कमी होता है तो मर्द को संभालना चाहिए, मर्द में कमी है तो औरत को संभालना चाहिए, जिधर एक गलती हो रहा है उधर का एक आंख बंद कर लो तभी ये परिवार चलता है, ये नहीं कि वो भी 23 में है ये भी 23 में है तो वो बनता नहीं है। इसलिए बहु विवाह जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो ये जो प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा थी, ये बहु विवाह प्रथा हाँ। थी, ये बहुत जमाने पहले थी, और अब क्या है कि आज का युग है 21वीं सदी है और आज की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनको क्या है कि बराबरी का हक होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप समाज ले लीजिए, जैसे मुस्लिम समाज में कि 3-4 शादियां कर सकते हैं, कि एक से शादी करी फिर तलाक बोल दिया फिर दूसरी शादी कर, तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जाता है कि मतलब जो महिलाएं होती है उनके साथ की उत्पीड़न होता है, तलाक तलाक कह के उनको मतलब जो तलाक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ ना इंसाफी समझो, मतलब ना इंसाफी होती है। एक और बात यहाँ पे बोलूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही क्योंकि वो आधारित है, वो ये है कि क्या आप मानते हैं कि तलाक के बाद महिलाओं को पति द्वारा गुजारा भत्ता मिलना चाहिए?
अगर महिला कैपेबल है तो नहीं मिलना चाहिए, अगर कैपेबल नहीं है तो मिलना चाहिए, क्योंकि उसको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर वो आगे कुछ करना चाहती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाक 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 करके उनको कुत्ते की तरह भगा दिया जाता है, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल होगा उस चीज से, तो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो महिला कैपेबल नहीं है। एक शादी जैसे मुस्लिम समाज में होता है कि एक शादी करे और तलाक दे के, तो बिचारी अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, उसका मतलब जो रोजगार है नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो तो देना पड़ेगा भत्ता भुत्ता तो देना पड़ेगा। गुजारा भत्ता तो 125 सीआरपीसी में मिलता ही मिलता है ना, उसमें तो वो तो सीआरपीसी में 125 है ही, उसमें कोई रिलीजन तो है नहीं, उसमें अगर कोई महिला प्रभावित होती है भरण पोषण या भत्ता उसे परिवार में नहीं मिलता तो वो कोर्ट में आ सकती है। अब जैसे इनहेरिटेड राइट्स होते हैं, इनहेरिटेड राइट्स को मैं ऐसे बोलूं कि कोई हिंदू हिंदू से शादी करता है तो वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी को, लेकिन मान लीजिए कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, तो मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करता है तो शायद उसको प्रॉपर्टी राइट्स ना मिले, प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं हिंदू लड़की को ना मिले। ऐसा नहीं है, जब शादी करता है तो प्रॉपर्टी राइट्स तो मिल ही जाते हैं, वो सिविल कोड के अंतर्गत मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन अभी शायद वो नहीं मिलते। तो अगर अगर ये चेंज आएंगे तो गलत होगा या सही होगा? सही होगा, अगर आप कोई मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो हिंदू लड़की के भी फिर राइट्स बनते हैं उसके ऊपर, कि जो भी उसके प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं वो उसको सारी चीजें उसको उपलब्ध कराई जाएं। ये तो एक जनरली ये तो बात हो ही जाती है कि भाई अगर वो दोनों आपस में प्यार करते हैं जो भी है एक हो रहे हैं तो फिर तो दोनों का बराबर का हिस्सा होता है ना एक दूसरे की लाइफ में। तो प्रॉपर्टी एक्ट है ना हमारे पास, उसमें मैरिज का कोई सवाल नहीं। सर सिविल कोड में वो तो सिविल कोड में जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट चलेगा, और जो ये नहीं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं ना कि महिला को प्रॉपर्टी के राइट क्या, तो नगर निगम में जो हमारे पास ऑलरेडी जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसमें मैरिज का कोई क्वेश्चन नहीं आता। वो तो वहाँ से जो वहाँ पे फीमेल मेंबर है मेल मेंबर है उनकी क्या पोजीशन है वहाँ पे, वो परिवार में कहाँ स्टैंड करती है, वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी के एक्ट के अकॉर्डिंग ही रिलीफ मिलता है, सो मैरिज का कोई कंसर्न नहीं। वो तो फैमिली हायरार्की में वो लेडी जहाँ पे स्टैंड करेगी उसके अकॉर्डिंग उसको राइट मिले। हाँ वही मिलना चाहिए। देखो जिस तरह से मतलब हिंदुओं में है कि जो संपत्ति का अधिकार है जितना लड़के का उतना लड़की का होता है, तो ये मुस्लिम में भी होना चाहिए, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज में क्या है कि बेटियों को मतलब मुस्लिम समाज में गोद लेने का अधिकार नहीं है, मुस्लिम समाज में बेटी को बराबरी का हक नहीं है, मुस्लिम समाज में लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती, वो मुस्लिम से ही शादी करेगी। क्योंकि कुछ मैंने बताया ना आपको अभी कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको मैं बोलूंगा कि राजनीति के ठेकेदार बोलो चाहे मतलब धर्म के ठेकेदार बोलो, वो मतलब कहीं ना कहीं अपना एजेंडा सेट करने के लिए मतलब समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब जो मुस्लिम जो बहनें उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मुस्लिम बहनों को भी आगे आके मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और मतलब आवाज उठानी चाहिए, मतलब 21वीं सदी है कि उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, ट्रिपल तलाक तलाक कह के उनके साथ मतलब जो इस तरह के जो काम हो रहे हैं, तो उनको भी आवाज उठाना चाहिए। मेरा एक मत यही रहेगा कि क्या बोलते हैं आपका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि जो डिप्राइव्ड क्लास है ठीक है वो अपने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं एटलीस्ट उन्हें मिल सके, मिल सके। तो फिर दीपक भाई जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं आप शाह बानो केस था 90s का बहुत कंट्रोवर्शियल केस था तो उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, तो आप उस केस से फेमिलियर हैं, अगर फेमिलियर हैं तो अपने कुछ इंसाइट्स आप साझा करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं इस केस से फेमिलियर हूँ, शाह बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था ठीक है, उसमें बेसिकली क्या था, जो शाह बानो थी ठीक है उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था ठीक है, उसके बाद द कोर्ट जो केस था वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन था कि जो शाह बानो है उन्हें एलिमनी नहीं दी जाएगी ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक शो करता है कि कैसे यू नो एक जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन यू आर गेटिंग डिप्राइव फ्रॉम फ्यू राइट्स विच यू डिजर्व समवेयर ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय होता ठीक है तो ये एक कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं जो शाबानो है उनको उनको एक क्या बोलते हैं राइट मिलता उनका उस समय। और अगर मैं कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ठीक है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ पे चलता है ना, यानी कि जो संविधान में कानून लिखा गया है उसके ऊपर ही हम जो है अपना फाइनल डिसीजन देते हैं ठीक है। पर अगर उस समय लाइक यूएसए में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि आप जब कोर्ट में कोई केस चल रहा है
उसी दौरान आप अपना कोई एक प्रोसेस यानी कि आपका जो कोई लॉ है आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो अगर उस समय इंडिया में अगर ये काइंड ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शाबानों को मे भी उस समय विदाउट सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक अच्छा फैसला मिलता और उन्हें एलिमनी वगैरह भी मिल जाती। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर 90s के टाइम पे होता तो शाबानों आपके हिसाब से डिप्राइव नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, पर ये मेरे हिसाब से बहुत पेचीदा है लेकिन बहुत जरूरी भी है। वो ये कि भारत के संविधान में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार भी हैं, ठीक है। तो अगर समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में टकराव हो तो आपको क्या लगता है किस मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? समानता और एक है राइट टू इक्वालिटी, हाँ, और एक है राइट टू प्रैक्टिस, मतलब कि आप अपने स्वतंत्र आप धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास। तो अगर समानता की डिबेट आती है और धार्मिक स्वतंत्रता की डिबेट आती है तो पहले किस पे चुना जाएगा, पहले किसको चुना जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता को या समानता को? मैं तो कहता हूँ कि सबकी समानता एक बराबर होनी चाहिए, समानता को चुना जाएगा, सब एक बराबर होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा सब चीजें होनी चाहिए। इससे अगर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता आहत होती है तो? अगर किसी की धार्मिक, देखो ये दोनों चीजें अलग अलग पहलू है। अगर हम देखिए, अगर हम कानून को मानने वाले हैं, अगर कानून या फिर अपने लॉ के हिसाब से चलते हैं तो सबके लिए समान अधिकार और समान चीजें होनी चाहिए। अगर हम धर्म के नजरिए से देखेंगे तो ये चीजें वहाँ पे वैल्यू ज्यादा रखती हैं कि भाई मेरे लिए ये जरूरी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन तो होना नहीं चाहिए। और वो इस कानून, अगर ये कानून लागू होता है तो इसमें भी वो बात नहीं आनी चाहिए। हर किसी को अपना रिलीजन के अनुसार रहने का राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लिव का अधिकार है, उसका कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए, उसका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेके जो मतलब जिस तरह से भी इसको किया जाएगा, जैसे भी कैबिनेट में या जहाँ भी इसके फोरम बनाए गए वहाँ डिस्कस की जा सकती है। अभी तो कोई लागू नहीं हुआ और किसी का रिलीजन अगर प्रभावित होता है उसको वो बात रख सकते हैं टेबल पे। मेरा एक मत यही रहेगा कि क्या बोलते हैं, आपका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि जो डिप्राइव क्लास है, ठीक है, वो अपने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं एटलीस्ट उन्हें मिल सकें, मिल सके। तो फिर दीपक भाई, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ, आप शाहबानो केस था 90s का, बहुत कंट्रोवर्शियल केस था, तो उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, तो आप उस केस से फेमिलियर हैं? अगर फेमिलियर हैं तो अपने कुछ इनसाइट्स आप साझा करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं इस केस से फेमिलियर हूँ, शाहबानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या था, जो शाहबानो थी, ठीक है, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था, ठीक है। उसके बाद द कोर्ट जो केस था वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन था कि जो शाहबानो है उन्हें एलिमनी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक शो करता है कि कैसे यू नो, एक जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन यू आर गेटिंग डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्यू राइट्स विच यू डिजर्व समवेयर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय होता, ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, जो शाहबानो है उनको उनको एक क्या बोलते हैं राइट मिलता उनका उस समय। और अगर मैं कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, ठीक है, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पे चलता है ना, यानी कि जो संविधान में कानून लिखा गया है उसके ऊपर ही हम जो है अपना फाइनल डिसीजन देते हैं, ठीक है। पर अगर उस समय लाइक यूएसए में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि आप जब कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसी दौरान आप अपना कोई एक प्रोसेस यानी कि आपका जो कोई लॉ है आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो अगर उस समय इंडिया में अगर ये काइंड ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शाबानों को मे भी उस समय विदाउट सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक अच्छा फैसला मिलता और उन्हें एलिमनी वगैरह भी मिल जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर रिलीजन को शामिल करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं, ठीक है, वेदर इज कमिंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन और इस्लामिक रिलीजन, हमारे पास बौद्धिज्म और सिखिज्म को तो वी इंक्लूड इन हिंदू रिलीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बाकी जितने एक क्रिश्चियन आपके क्या बोलते हैं ग्रुप होते हैं उनको भी आप एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आइए, ठीक है, उनसे उनके व्यूज लीजिए, ओपिनियन लीजिए, बिकॉज जब तक सोसाइटी से एक क्या बोलते हैं आपको एक अर्ज नहीं आएगी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, ठीक है, तब तक लॉज बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो द डिमांड शुड बी कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी, है ना, तो तब जाके ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ फायदा होगा। युवाओं को यही है कि मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब कि जो ये यूसीसी कानून है कि मतलब बीजेपी सरकार लाएगी,
और उनको ये पता नहीं कि मतलब जो इसको बिल पास करने के लिए है कि कितनी सीटें होनी चाहिए बीजेपी के पास, अभी कितनी सीटें होनी चाहिए। इसमें 164-165 के आसपास मतलब बीजेपी के पास जो सीटें हैं अभी उतनी है, बीजेपी को मतलब कम से कम 34 सीटें और चाहिए, जो मतलब एनडीए मिला के और बीजेपी को मिला के मतलब उनकी 164 के आसपास बन रही है। तो जो ये कानून अगर बीजेपी इसको पास भी करना चाहे तो कम से कम 34 सीटें उनको और चाहिए, जो मतलब कहीं ना कहीं अन्य दलों का मतलब उन्हें समर्थन लेना पड़ेगा। तो अन्य दलों का भी यही है कि अपनी मतलब तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब समाज के लिए, बेटियों की भलाई के लिए, मुस्लिम बेटियों की भलाई के लिए, हित के लिए कि मतलब वो बीजेपी के साथ आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब जितने भी जो दल है तो बीजेपी के साथ आए और बीजेपी का सपोर्ट करें, क्योंकि जो कानून है वो कोई एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है और ये किसी वर्ग के लिए नहीं, ये सभी के लिए है और इससे देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज होती है ना कि अब सपोज करो कि एक घर है और उसमें एक घर में एक के लिए अलग कानून है, दूसरे के लिए अलग कानून है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया भी है कि अगर एक घर है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून है तो घर कैसे चलेगा। बिल्कुल समर्थन करता हूँ और लाखों मिश्र को जल्दी से इसको ड्राफ्ट करना चाहिए और जल्दी से इसको जो है लागू करना चाहिए। पैम्फलेट की टीम को अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में, अपने इस पब्लिक ओपिनियंस में तरह तरह के मिश्रित से लेकर मैं बोलूंगा सकारात्मक रिव्यूज मिले और लगभग हमने काफी सारे वर्ग कवर भी यहाँ पर किए। तो उम्मीद है आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आएगा और ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेगी, आप देखते रहिए द पैम्फलेट।